الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور انتہائی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل درس قرآن و حدیث، ایک طویل عرصے کے بعد کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دینی تقاریب اور محافل کا سلسلہ کم و بیش 5 ماہ تک معطل رہا، بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی توفیق سے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے دینی تقریبات اور دینی محافل میں پھر سے بہار آ گئی ہے. مساجد کے اندر بحمد اللہ تعالی رونقیں ہیں اور لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دینی محافل میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سانگلہ ہل میں درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا گیا جو ایک تعطل کے بعد پھر سے شروع کیا جا رہا ہے. میں جامع مسجد محبوب سبحانی کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے نمازیوں کو، اہل محلہ اور بستی میں بسنے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد شریف کو جس محبت، پیار اور اخلاص کے ساتھ تعمیر کیا گیا اور تزئین و آرائش کے لیے خوب خوب محبتوں کا مظاہرہ کیا گیا،
अल्लाह तबारक व ताला मेरे हर दीनी भाई को बरकाते दारैन अता फरमाए। जिस किसी ने इस मस्जिद शरीफ की ताबीर में किसी तरह भी हिस्सा लिया, तआवुन किया, अल्लाह तबारक व ताला सबको बरकाते दारैन से सरफराज फरमाए। मौलाना मोहम्मद शफीक मुजद्दी साहब आगे तशरीफ लें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मस्जिद से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत ये अल्लाह ताला की अता के बग़ैर मुमकिन नहीं। बड़ा ही खुश नसीब है वो, सआदतमंद है वो, फिरोस बख्त है वो जिसको अल्लाह के घर से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो जाए और अल्लाह की पाक और लारैब किताब क़ुरान मजीद से मोहब्बत हो जाए और फिर अल्लाह तबारक व ताला का करम हो तो उसका दिल प्यारे महबूब करीम की मोहब्बत का मदीना बन जाए। इससे ज़्यादा दुनिया में कोई खुशकिस्मती नहीं, क्योंकि अज़्ज़ल ताख़िर सारी बरकतें अल्लाह के दीन के साथ वाबस्ता हैं। इस मकसद के लिए रब्बे ज़ुलजलाल ने 1,24,000 या 1,44,000 अंबियाए किराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, 313 या 315 रसूल तशरीफ़ लाए। हर नबी हर रसूल की बेसत का मकसद ये था कि वो अल्लाह ताला का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ और अल्लाह की मखलूक को खालिक के साथ वाबस्ता करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा को रब्बे ज़ुलजलाल ने ख़ातमुन्नबीयीन बनाया और नबूवत का दरवाज़ा आप पर बंद कर दिया गया। अब सुबह क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। हुज़ूर का इरशाद गिरामी है, अना ख़ातमुन्नबीयीन ला नबी बादी, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। और दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ और तुम उम्मतों में से आखिरी उम्मत हो। रब्बे ज़ुलजलाल ने इस आखिरी उम्मत को जो किताब हिदायत अता फरमाई, उस किताब हिदायत का मुकद्दस नाम क़ुरान मजीद है। क़ुरान मजीद अपना तारुफ खुद कराता है, बल हुआ क़ुरान मजीद उन फी लौहिम महफूज। ये क़ुरान मजीद वो सहीफ़ा हिदायत है जिसको क़ुरान मजीद में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल्लिल मुत्तकीन। ये क़ुरान जो है ये हिदायत का सर चश्मा है, क़यामत तक जो कोई भी हिदायत पाना चाहेगा उसको हिदायत मुयस्सर आएगी तो क़ुरान मजीद से मुयस्सर आएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक है, इबन माजा शरीफ में ये हदीस शरीफ है, हज़रत उस्मान इबन अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं कुरान सिखाते हैं, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं कुरान पढ़ाते हैं कुरान सीखते हैं कुरान सिखाते हैं। और फिर मेरे आका करीम ने इसी कुरान मजीद के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, इन अल्लाह ताला यरफ़ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान मजीद की बदौलत बहुत सी कौमों को बहुत से लोगों को उरूज तरक्की और कमाल अता फरमाएगा और बहुत से लोगों को कुरान मजीद को तर्क करने और इसे पसे पुश्त डालने की वजह से अल्लाह ताला कारे मजल्लत में गिराएगा। तो ये कुरान मजीद जो है ये किताब हिदायत है। और फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह,
इस किताब के अंदर कोई शक नहीं, इसके अंदर शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, आइए आज के दरसे कुरान व हदीस में जिस उनवान पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं जैसे अज़ीज़ुल क़दर साहिबज़ादा मोहम्मद मोहतशम रज़ा क़ादरी नूरी ने आपको बताया कि ये माहे सफ़रुल मुज़फ़र शरीफ है और इस माहे सफ़रुल मुज़फ़र शरीफ में बहुत से औलिया कामिलीन के आरासे मुबारका हैं। उनका विसाल इस महीने में हुआ और उनकी तारीख़ विसाल पर उनका उर्स मनाया जाता है। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अलहजवेरी रदी अल्लाह तआला उन औलिया कामिलीन में से हैं कि सदरी रिवायात के मुताबिक सैयदना गौसुल आज़म गौसुस सक़लैन सैयदना अब्दुल क़ादर जीलानी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर मैं अली बिन उस्मान अलहजवेरी अलमारुलक्कब बिदाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना पाता, मैं इनके ज़माने में होता तो मैं इनका मुरीद हो जाता। ये सरकार गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला का ये इरशाद मुबारक उलमाए किराम में और उराफा में सदरी रिवायत ये चली आ रही है। और आपका इतना अरफा और आला मकाम है विलायत में, वो बुलंद दर्जा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया कि ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल फिल हिंद हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला ने हुजूर दाता साहब के हुजूर एतिकाफ करके इक्तिसाब फैज़ किया था, आपके मज़ार शरीफ से फैज़ हासिल किया था। ये औलिया कामिलीन के उर्स इस महीने में हैं। और आपने अभी सुना कि सरकारे आला हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल व मुहद्दस बरेलवी अलैह रहमत व रिद्वान, आपका विसाल मुबारक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ की 25 तारीख को है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रदी अल्लाह तआला ने आपका विसाल शरीफ वो माह सफ़र की 28 तारीख को है। इसी तरह और बहुत से औलिया किराम के विसाल इस महीने में हुए और उनके उर्स मनाए जाते हैं। मैंने आज ये अर्ज़ करना है कि साहिब मज़ार से फैज़ हासिल करना शरीयत मुतहरा में इसकी क्या हैसियत है। इसके लिए मैंने क़ुरान मजीद की एक आयत मुक़द्दसा को बतौर उनवान तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। बहुत तवज्जो से सुनिए। रब ज़ुल जलाल ने लारैब किताब क़ुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, वब्तगू इलैहिल वसीला और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। पहले क्या हुक्म दिया गया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, तुम्हारे दिल में हर वक्त खशियत इलाही का गलबा रहे। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जवाबदही का तसव्वुर तुम्हारे जहन व ज़मीर पर हमा वक्त गालिब रहे। और उसके बाद फिर दूसरा हुक्म इरशाद हुआ, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढ के लाओ। अब ये वसीला क्या है जिसे ढूंढने का हुक्म है, जिसे तलाश करने का हुक्म बेनियाज रब कुरान में दे रहा है। तो आइए इमामुल मुहद्दिसीन शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दस देहलवी अलैह रहमा से रहनुमाई हासिल करते हैं कि बैत यहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला से क्या मुराद है। किसी ने कहा कि यहाँ वसीला से मुराद कुरान मजीद है, किसी ने कहा कि वसीला से मुराद नेक आमाल हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दस देहलवी अलैह रहमा इस आयत करीमा में वसीला के हवाले से लिखते हैं कि यहाँ वसीले से मुराद बैत मुर्शिद है। बैत मुर्शिद है कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के लिए
और उसकी बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने के लिए शेख कामिल की ज़रूरत है, एक मुर्शिद की ज़रूरत है, एक हादी की ज़रूरत है, एक राहबर की ज़रूरत है, एक रहनुमा की ज़रूरत है। किसी ने क्या खूब समझा दिया आसान लफ्ज़ों में कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं। वब्तगु इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करके लाओ, ढूंढ के लाओ। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो उस दौर में मैं फोर्थ ईयर में था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में, तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने दौराने लेक्चर और क्लास के दौरान ये बात की कि यहाँ वसीला जो है इससे मुराद है नेक आमाल। मैंने पूछा कि यहाँ वसीले से आप क्या मुराद लेते हैं? कहने लगे कि नेक आमाल जो हैं, आमाल सालिया जो हैं वो मुराद हैं, मसलन नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये वसीला हैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए, ये अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला हैं। अल्लाहु अकबर। और रोज़ाना इसी मौजू पर कोई ना कोई बात चलती। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मुहद्दस अब्दालवी अलैह रहमत व रिदवान, उस ज़माने में मुझे याद है कि मैं कंज़ु दक़ाइक, उसूल शाशी, मिरकात, रियाज़ुस सालिहीन, ये मेरे असबाक थे। दौराने सबक मैंने अपने वालिद माजद अलैह रहमत से ये अर्ज़ किया कि कल क्लास में ये बात चली है, तो प्रोफेसर ये कह रहा है कि यहाँ आमाले साले मुराद हैं, ये औलिया और अम्बिया ये अल्लाह की बारगाह में वसीला नहीं है, बल्कि नेक आमाल वसीला हैं, नेक आमाल वसीला हैं, नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, हज वसीला है, ज़कात वसीला है, और अम्बिया और औलिया मुकर्रबीन बारगाह खुदाबंदी यहाँ ये वसीला मुराद नहीं है। तो मैंने अपने वालिद माजद से जब अर्ज़ किया तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई, और आपने इरशाद फरमाया कि कल आप जब जाएं क्लास के अंदर तो उससे एक सवाल करें कि आमाल सालेह जो है, आमाल सालेहा, नेक आमाल, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, कोई भी नेक अमल, ये कौन सी मखलूक है? फरमाया कि मखलूक इसको मानते हो या नहीं मानते? और फरमाया कि मखलूक की तीन किस्में हैं, एक मशकूक मखलूक है और एक मकबूल मखलूक है और एक मर्दूद मखलूक है। मखलूक की कितनी किस्में हैं? सारे बोलें कितनी किस्में हैं? एक वो मखलूक है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, समझ आ रही है? एक वो मखलूक है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, बरगुजीदा हैं, मकबूल हैं, महबूब हैं रब की बारगाह में। एक मखलूक तो वो है जैसे अम्बिया हैं, ये अल्लाह की बारगाह के महबूब भी होते हैं, अम्बिया व औलिया अल्लाह की बारगाह के मकबूल भी होते हैं, महबूब भी होते हैं। तो फरमाया मखलूक की तीन किस्में हैं, एक मर्दूद मखलूक है, एक मशकूक मखलूक है जी, और एक मकबूल मखलूक है। इनसे पूछो ज़रा कि ये नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, नेक आमाल जो है, इनको आप अगर मखलूक मांगते हो तो फिर बताओ ये कौन सी मखलूक हैं, ये कौन सी मखलूक हैं। और मैंने जब अगले दिन जा कर के ये सवाल किया तो वो प्रोफेसर साहब जो हैं वो तो मबूत हो गए, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब हो गए। कहने लगे इससे क्या मुराद है? मैंने कहा जनाब मखलूक की तीन किस्में हैं, एक वो मखलूक है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी है, उसकी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत है, वो अल्लाह की बारगाह में महबूब भी है, और एक मखलूक वो है जो मशकूक है, मशकूक है, उसमें शक है कि पता नहीं ये कबूल हुई है या नहीं हुई, और एक मर्दूद मखलूक है जिनको बिल्कुल रद्द कर दिया गया। तीन किस्में हुई। तो फरमाया कि उससे पूछो कि ये मशकूक मखलूक है, मकबूल मखलूक है या मर्दूद मखलूक है आमाल सालेह। पहले तो वह बिल्कुल चुप साध गए, और बाद में जब मैंने फिर इसरार किया और मैंने कहा जनाब मैं आपको बताता हूँ कि मखलूक की तीन किस्में हैं, मकबूल, महबूब और मशकूक। आप ये बताओ कि आमाल सालेह को आप मशकूक मखलूक मानते हो, महबूब मखलूक मानते हो, मकबूल मानते हो? कहने लगा कि मकबूल तो हम कह नहीं सकते, मर्दूद भी नहीं कह सकते। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम नेक आमाल ये मशकूक मखलूक हैं, मशकूक मखलूक हैं। मशकूक से यहाँ क्या मुराद है? फरमाया मेरे वालिद गिरामी अलैह रहमा ने कि आपने नमाज पढ़ी है, इसमें शक है कि पता नहीं कबूल हुई है या नहीं।
नमाज पढ़ी है। कोई बंदा ये कह सकता है कि मैंने नमाज पढ़ी है, मेरी नमाज कबूल हो गई है। आपने रोज़ा रखा है, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने रोज़ा रखा है, मेरा रोज़ा हर हाल में कबूल हो गया है। मैंने नमाज पढ़ी है और मेरा ये नमाज पढ़ना हर हाल में कबूल हो गया है। यहाँ तक कि हज बैतुल्ला करने के बाद कोई शख्स वापस आता है, वो दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है। रोज़ा रखने वाला दावा नहीं कर सकता कि मेरा रोज़ा कबूल हो गया है। नमाज पढ़ने वाला दावा नहीं कर सकता कि मेरी नमाज कबूल हो गई। इसलिए तो दुआएं मांगते हैं ना, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें। तो हर नेक अमल करने वाला दुआ मांग रहा है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। बारी ताला ये नमाज पढ़ना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। ए रब्बे करीम, ये मेरा नमाज पढ़ने का अमल कबूल फरमा। रोज़ा रखें तो दुआ मांगते हैं, बारी ताला रोज़ा रखा था तेरी रजा के लिए, जो खामी कमी बेशी रह गई उसे मुआफ़ फरमा कर मेरा रोज़ा कबूल फरमा। हज जब किया जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं, हज के अरकान की अदायगी में अगर कहीं कोताही कमी सुस्ती हो गई, बारी ताला मुआफ़ फरमा के मेरा हज कबूल फरमा। कोई बंदा नेक अमल करके ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी ये नेक इबादत कबूल है। हर बंदा शक के अंदर मुब्तला है, पढ़ना मेरा काम था, कबूल करना रब का काम है। बात शक में है, पता नहीं कबूल हुई है नहीं हुई, रोज़ा रखा है पता नहीं कबूल हुआ या नहीं, हज किया है पता नहीं कबूल हुआ है नहीं। क्यों? इसलिए कि ये मशकूक मखलूक है, चाहे तो रब कबूल फरमाए, चाहे हमारी नमाजें हमारे मुंह पे देके मारे। जैसा कि हदीस शरीफ में मौजूद है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके मुँह पर मार दी जाती है, वो अपने आप को नमाजी समझ रहा है लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं हुई। तो मानना पड़ेगा, मैंने कहा जनाब मानना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं। ये ज़रूरी है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात तमाम आमाल जो हैं ये मशकूक मखलूक हैं और नबियों और वलियों के मकबूल होने में कोई शक नहीं। नबियों और वलियों के मकबूल होने में कोई शक नहीं, सारे बोले नबियों और वलियों के मकबूल होने में कोई ये तो एक मनसब है भाई। मकबूल थे तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया, महबूब थे तो मर्तबा विलायत दिया, पता ये चला कि नबी और वली ये रब की बारगाह के मकबूल भी हैं महबूब भी हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब अफसोस कि आप मशकूक मखलूक को तो वसीला मानते हो मगर महबूब मकबूल मखलूक को तुम वसीला नहीं मानते, उसको वसीला नहीं मानते। अगर नमाज रोज़ा हज व ज़कात आमाले सालेहा मशकूक मखलूक तुम्हारे नज़दीक वसीला हैं तो हमारे नज़दीक भी हम्दिल्लाह ताला नबी वली अल्लाह की बारगाह के मकबूल होते हैं, वो तरीके आला अल्लाह की बारगाह में वसीला हैं। क्योंकि अम्बिया भी महबूब हैं, अम्बिया भी मकबूल हैं, वली भी मकबूल हैं महबूब हैं। आइए कुरान से पूछ देते हैं। कुरान मजीद में रब जुलजलाल ने फरमाया नमाज रोज़े हज व ज़कात का तो पता ही नहीं कबूल हुए या नहीं हुए, लेकिन आप भी नमाज पढ़ते हैं बिहम्दिल्लाह ताला। जितने नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में हर रकत के अंदर पढ़ते हैं इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलाना जिन पर तूने अपना इनाम किया, जिन पर तूने अपना। अब समझिए कि मकबूल मखलूक क्या है, महबूब मखलूक क्या है, मशकूक मखलूक क्या है। मैं और खुल करके बयान करना चाहता हूं भाई, हर नमाजी जानता है, पहचानता है, पढ़ता है इहदिनस्सिरात वल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सांगला हिल के आशकाने रसूल ये बताओ कि कुरान का रास्ता सीधा रास्ता है या नहीं? जिसको शक नहीं वो बोले, जिसको शक है वो खामोश रहे, मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं होगा। भाई बताइए कुरान का रास्ता सीधा है या नहीं? डर के ना बोलो, खुल के बोलो, कुरान का रास्ता, कुरान का रास्ता और सुन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है। सुन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है,
ताज्जुब की बात है यारो, यहां ये नहीं फरमाया एहदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरातुल कुरान व सुन्ना, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला, कुरान के रास्ते पे चला, सुन्नत के रास्ते पे चला, ये नहीं फरमाया। इसलिए कि कुरान और सुन्नत के सिराते मुस्तकीम होने में कोई शक नहीं करता, जिनके सिराते मुस्तकीम, जिनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है, उन पे लोग शक करते हैं। इसलिए रब ने खोल के बयान कर दिया, मेरी बारगाह में जब हाथ बांध के नमाज पढ़ो तो यूं अर्ज किया करो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। बात समझ आ रही है? जिनको समझ आ रही हो हाथ खड़े, मैं ज़ियारत कर लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और से सुनिए हजरात जी, मैं भी बंदा वो भी बंदा, हम भी बंदे, नबी भी बंदे होते हैं, हम भी बंदे हैं, वली भी बंदे होते हैं। क्या लेने जाते हो पीरों पे, क्या लेने जाते हो दाता साहब, वो भी हमारी तरह के बंदे थे, हम भी बंदे वो भी बंदे। डॉक्टर इकबाल ने कहा जमान संभाल के बात कर, इकबाल ने कहा होश कर, अब्द दीगर अब्द हू चीजें दीगर, अब्द और है अब्द हू और होता है, बंदे बंदे में फर्क होता है। तूने क्या समझ रखा है? कुरान फरमाता है मेरी बारगाह में, अल्लाह फरमा रहा है नमाज पढ़ो तो अर्ज करो इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह कुरान और सुन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है। जवाब आया हां ये सीधा रास्ता है, मगर सुनो सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, मैंने अपने बंदों में से जिन बंदों पर इनाम किया है उनका रास्ता सीधा रास्ता है। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने इनाम किया। अल्लाहु अकबर यारो, पता ये चला एक वो मखलूक है जो महबूब है, वो तो महबूब है ना, अल्लाह उनसे प्यार करता है, वो मकबूल हैं, उनकी जात भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे पे है, उनके अमाल भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे पे। नबी वली रब के मकबूल हैं, मकबूल अल्लाह की बारगाह के मकबूल हैं। आइए जरा और मैं खुल के अर्ज करता हूं, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने अपना इनाम किया। अब आगे देखिए क्या कुरान फरमाते, तीसरी मखलूक का जिक्र आ गया, तीसरी किस्म का जिक्र आ गया, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह वो बंदे, एक वो बंदे जिन पर अल्लाह का कहर नाजल हुआ, एक वो बंदे जिन पर खुदा का गजब हुआ, फिरौन शद्दाद हामान अबू जहल अबू लहब, एक वो बंदे हैं जिन पर कहर नाजिल हुआ, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, और एक वो बंदे जो गुमराह हो गए। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी बारगाह में नमाज में हाथ बांध के खड़े होकर ये अर्ज किया करो, या अल्लाह जो गुमराह, जो बंदे गुमराह हो गए, जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ, जिन पर तेरा गजब हुआ, या अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना, तेरे बंदों में से वो बंदे जिन पर तू राजी है, जिन पर तूने अपना इनाम किया है, हमें उन बंदों के रास्ते पर चलाना। हैं वो भी बंदे, हैं ये भी, ये वो बंदे हैं। बेनियाज रब फरमाता है अर्ज करो मेरी बारगाह में अनअमत अलैहिम, जिन बंदों पर तेरा इनाम हुआ है उनके रास्ते पर चला, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, जो गुमराह हैं, या अल्लाह उनके रास्ते पे ना चला। यारो बात खुल के कुरान ने बता दी, तीन मखलूक की किस्में हो गई, एक मकबूल है, एक महबूब है, एक मशकूक है। तो ये लोग नेक आमाल को तो वसीला मानते हैं, और जिनके मकबूल होने में कोई शक नहीं, जिनके महबूब होने में कोई शक नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अनअमत अलैहिम, एक वो बंदे हैं जिन पर मैंने अपना इनाम किया है। वो हैं कौन, वो हैं कौन, या अल्लाह उनकी कोई पहचान, उनकी कोई तारफ, उनका कोई अथा फता, उनकी कोई निशानी, जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। देखिए जरा
سنیے قرآن مجید، اللہ رب العزت کا قرآن کیا فرماتا ہے، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا دنیا والو میں نے جن پر انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، جن پر میں نے اپنے لطف و کرم کی، اپنے انعام کی میں نے بارشیں کر دی ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں۔ ارے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بھی بندہ وہ بھی بندہ، بھائی تم وہ بندے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے تاج پہنائے، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صداقت کے تاج پہنائے، یہ وہ بندے ہیں جن کے سروں پر شہادت کے تاج سجائے گئے، یہ وہ بندے ہیں جن کے سروں پر صالحیت کے تاج سجائے گئے۔ اچھا حضرات، اور بات کھل کے سامنے آ گئی، کتنے گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ کتنے؟ چار ہیں یار، کھل کے بولو کتنے، آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لے جائے گا، کھل کے بولو، ذرا حوصلہ دو۔ چار طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ اب ذرا غور کرنا، نتیجہ کیا نکلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے، صدیق وہ ہوتا ہے جس کے سر پر صداقت کا تاج سجایا جائے، شہید وہ ہوتا ہے جس کے سر پر شہادت کا تاج سجایا جائے، صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے سروں پر صالحیت کے تاج سجائے جاتے ہیں۔ سانگلا ہل والوں پتہ چلا نبوت بھی ایک منصب ہے، نبوت ایک، کھل کے بولو یار، نبوت ایک عہدہ ہے، منصب ہے، صداقت بھی، صدیق ہونا بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے، شہید ہونا بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے، صالح ہونا ایک منصب ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے۔ جس کو اللہ نبوت کے عہدے پہ فائز کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جس کو صداقت کے منصب پر فائز کرتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، جس کو شہادت کے منصب پہ فائز کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جس کو اللہ صالحیت کے منصب پر فائز کرتا ہے، والی ولی اللہ، اولیاء اللہ، ان کے مزاج میں صالحیت ہوتی ہے، وہ تبھی اعتبار سے صالح شمار ہوتے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا، نبی ہوں، صدیق ہوں، شہید ہوں اور اولیاء کاملین ہوں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقبول بھی ہیں، معبوب بھی ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور بے نیاز رب فرماتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں کہا کرو یا اللہ ہمیں اپنے ان مقبول بندوں کے راستے پر چلا، ان کے راستے پہ چلا، ان پر اپنا انعام کیا۔ اب نیک بندے، اللہ کے مقبول اولیاء کاملین، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لا۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کھل کے بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئیے ہم اور آسان کر دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارا کیا جائے گا، ہم نے تو بھائی آپ کو ایک حدیث شریف سنانی ہے، سارے مسئلے ہی حل ہو جانے ہیں۔ آپ کو روحانی تسکین ہوگی، ایمانوں کو جلا ملے گی، اور پورے مسئلے کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مسلم شریف، بخاری کے بعد حدیث میں جس کا درجہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بنی اسرائیل قوم میں، بنی اسرائیل قوم میں ایک بندہ تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 بندے کا قاتل، اور وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا جناب میں بہت گناہگار بندہ ہوں، میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، 99 بندہ قتل کر چکا ہوں، اب ندامت ہے، شرمندگی ہے، کیا میرا یہ 99 آدمی کو قتل کرنے کا جرم معاف ہو جائے گا؟ اب سنیے ذرا، جو وسیلے کا منکر تھا، اس نے وسیلے کا جو منکر تھا اس نے کیا کہا، اس نے کہا توبہ توبہ، اتنا ظلم،
99 बंदे को कत्ल किया और अब भी तू बख्शने जाने की उम्मीद रखता है, तौबा तौबा, तेरी बख्शिश का कोई सामान और जरिया बाकी नहीं रहा। उसने हदीस शरीफ में है, और कौन बयान कर रहा है, आमिना के लाल बयान करें, ताजदारे कायनात रसूल सकलेन हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसने उसे भी कत्ल कर दिया, राहब को भी कत्ल। उसने कहा अच्छा, अगर मेरी बख्शिश की उम्मीद नहीं तो फिर मौलवी साहब तुम्हारी जिंदगी की भी कोई उम्मीद अब बाकी नहीं। उसने गर्दन काट के फेंक दी। उसने कहा जाओ मजे करो अब। वो बेचारा परेशान फिरता फिराता, रास्ते में कोई मिल गया अल्लाह वाला, उसने कहा तुझे क्या हुआ है, क्यों परेशान है, हवास भागता है, क्या बात है, हवाइयां उड़ी उड़ी है चेहरे की, क्यों फिर रहा है मारा मारा। उसने कहा यार 100 बंदा कत्ल हो गया है, क्या मेरा ये जुर्म माफ हो जाएगा। उसने कहा घबराता क्यों है। उसने कहा ये क्या बात है, 100 बंदे का कातिल है, रब की रहमत तो उससे भी कहीं वसी है। ये तसव्वुर हमारे दीन ने दिया, इंसान जितना मर्जी गुनाहगार हो जब तौबा करे अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को हर्फे गलत की तरह मिटा देता है। क्या ये हदीस शरीफ नहीं है सांगला वालों, कि मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही। एक और बात सुनाऊं आपको, सुनेंगे जो सुनना चाहता है हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मजे की बात है। बात कहां से सुना रहा हूं, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कुरान से रब का फरमान सुना रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। उलमा मौजूद हैं स्टेज पर, हाफिज मौजूद हैं, इनसे पूछिए। तौबा का एक दर्जा ऐसा है जब बंदा वो तौबा कर लेता है बेनियाज। अब कुरान में फरमाता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, एक वो बंदे हैं जब गिड़गिड़ा कर मेरी बारगाह में आंसू बहाकर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरा दरियाए रहमत जोश में आता है, मैं उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। कुछ आया मजा आपको, आप तो लतीफे सुनते हैं। सुनो अल्लाह का कुरान भी कभी सुना करो, कुरान सुना करो कभी कभी। कुरान क्या कहता है, वो किया था गुना, समझ आ रही, किया था, जब तौबा की तो अल्लाह ने उस गुनाह को नेकी बना दिया। मैं नहीं कहता, अगर गलत कह रहा हूं मेरे गले में पटका डालो। बेनियाज रब फरमाते उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तौबा इतने आला दर्जे की करो कि बेनियाज रब तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दे। क्या ये हदीस शरीफ नहीं है। बात और तरफ मौजू चला जाएगा, मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूं। कयामत का दिन होगा, एक आदमी को जन्नत की तरफ जा रहा होगा, फरिश्ते उसको रोक लेंगे। वो कहेंगे तू किधर जा रहा है, कहेगा मैं जन्नत में जा रहा हूं। वो कहेंगे तेरे तो दफ्तर ही भरे हुए हैं गुनाहों से, तूने इतने गुनाह किए हैं, तेरे तो रजिस्टर खाते बड़े भरे हुए हैं। उसको पकड़कर जब अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा, बेनियाज रब पूछेगा इस बंदे को क्यों पकड़ा है। वो कहेंगे या अल्लाह इसने तो गुनाह बड़े किए थे। बेनियाज रब फरमाएगा लाओ इसके गुनाहों को सबूत है तो ले आओ, लाओ इसके गुनाहों के सबूत। और क्या होगा, फरिश्ते बड़े बड़े खाते वही खाते रजिस्टर उठा के ले आएंगे। जब लाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा खोल के देखो इसके गुनाह कौन कौन से। जब फरिश्ते रजिस्टरों की फोला भाली करेंगे, उलमा बैठे हुए हैं, फोला भाली करेंगे, हर सफाई खाली, लिखा ही कुछ नहीं।
سارے کھاتے وہی بھول پھال کے کہیں گے یا اللہ کیے تو گناہ بہت زیادہ تھے لیکن کھاتا بالکل صاف ہے, کھاتا بالکل صاف ہے, پتہ نہیں کیا معاجرہ ہوا کیا معاملہ ہوا. بے نیاز رب نے فرمایا اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تھی, اس نے آنسو بہائے تھے, اس کے آنسوؤں نے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے. اس نے کہا, اس نے کہا گھبرا نا, مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, حدیث شریف پڑھ رہا ہوں, میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں, تاجدار کائنات ناطق وحی رسول ثقلین آپ کی حدیث شریف سنا رہا ہوں. اس بندے نے پتہ کیا, وہ اللہ والا تھا. وہ کون تھا؟ اللہ والا. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. آئیے وسیلہ کیا ہے, یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں, حدیث شریف سنا رہا ہوں. وہ اللہ والا جو ملا نا, اس نے کہا او گھبرانا کیوں ہے, انطلق بارض قضا و قضا, انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ. اس نے کہا او گھبرا نا, فلاں پنڈ میں چلا جا, فلاں بستی میں چلا جا, فلاں گاؤں میں چلا جا, فلاں قریے میں چلا جا, فیہا اناس, وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں. میں بھی بندہ, تو بھی بندہ, یہ وہ بندے ہیں جو مقبول ہیں, یہ وہ بندے ہیں. یہ بندے کون تھے؟ آئیے ذرا حدیث سے پوچھتے ہیں نا, تعارف حدیث سے کرتے ہیں. اس اللہ کے ولی نے کہا انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ, وہاں اللہ کے وہ بندے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں, جو ہر وقت اللہ کے, ہم غفلت میں رہتے ہیں, یہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں. یہ فرق ہے بندے بندے میں. کیوں جاتے ہو مزارات پر داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بھائی ہم تو غفلتوں میں, ہماری راتیں غفلتوں میں بسر ہوتی, ہمارے دن غفلتوں میں بسر ہوتے ہیں. یہ جو مزارات میں آرام فرما ہیں اولیاء کاملین, اللہ کے مقرب و محبوب بندے, ان کے دن بھی یاد الہی میں گزرتے ہیں, ان کی راتیں بھی یاد الہی میں گزرتی ہیں. بھائی تسلی نہ ہو تو قرآن سے پوچھ لو, جاؤ کھولو اللہ کا قرآن, رب ان بندوں کا تعارف کرا رہا ہے. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, بات یبیتو رات بسر کرنا, بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اور تمہیں کیا پتہ میرے ولیوں کی کیا شان ہے, بے نیاز رب فرماتا ہے ان کی راتیں گزرتی ہیں, یبیتون لربہم, یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے, ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے لیے, اپنے پروردگار. کیسے گزرتی ہیں, کیسے گزرتی ہیں, رب بیان فرما رہا ہے قرآن میں, اللہ فرما رہا ہے راتیں کیسے گزرتی ہیں. سجدم وقیام, کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے, کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں رات گزر جاتی ہے. آؤ اگر پہچاننا چاہو تو مخدومہ کائنات سیدت النساء العالمین, سیدت النساء الجنہ, سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سجدے کی حالت میں ہیں, مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے. اذان ہوئی نا, سجدے سے سر اٹھایا, نماز مکمل کی, سلام پھیرا, آسمان کو دیکھ کر سیدہ سلام اللہ علیہا زہرا پاک نے رسول اللہ کی دخترے سر بلند, جو میدان معاشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی, اے حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, رسول اللہ کی شہزادی جا رہی ہے. یہ فرق ہے, اتقوا اللہ وابتغوا الیہ المقبول, اللہ کے اولیاء انبیاء یہ وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا. سیدہ عالم نے کیا کہا,
आसमान को देख कर मखदूमा कायनात सैयदत निसाइल जन्ना सर्द आ भर के फरमाती, अल्लाह तेरी रातें इतनी छोटी हैं, तेरे रसूल की बेटी ने जी भर के तुझे अभी सजदा भी नहीं किया। वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदं व क़ियामा, अर्श वाला रब फरमाता है जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे हो जाते हैं, जिनको मैं नबुवती अता करता हूँ, जिनको सदाकती अता करता हूँ, जिनको शहादत के ताज अता करता हूँ, जिनको सालहियत के ताज अता करता हूँ, इनकी रातें तुम्हारी रातें गफलतों में गुजरती हैं, इनकी रातें कभी क़याम में गुजरती हैं, कभी सजदे में गुजरती हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, जाओ उलमा से पूछो, इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है जो हुजूर के रोज़े पाक पर जाके सलाम अर्ज करता है मदीना पाक, और सरकार के रोज़े अनवर पे खड़ा होके कहता है अस्सलामु अलैका या सैयद अल मुरसलीन, ए रसूलों के सरदार मेरा सलाम कबूल फरमाइए। हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आती है वालेकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इमाम वालेकुम सलाम। इमाम आजम अबू हनीफा को हुजूर के रोजे से सलाम आता है। ये है बंदे बंदे में फर्क। ये वो हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने अपना इनाम किया। आइए हजरात, बात ज्यादा ना फैल जाए। उसने कहा घबरा ना, इन तलिक बे अर्दिन कजा व कजा फीहा उनासुन यज़कुरून अल्लाह, वहां अल्लाह के कुछ बंदे रहते हैं जो अपने रब की याद का चराग दिल में रोशन करके बैठे हुए हैं, उनके सीने जिक्र इलाही से आबाद हैं। जा उनकी खिदमत में चला जा। यारो कहां भेज रहे हैं, हकीकत वसीला क्या है? अहमद रजा ने ऐसे नहीं कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। अहमद रजा गौसे आजम को रसूल मुअज्जम की बारगाह में वसीला पेश करते हैं और फिर रसूल मुअज्जम को अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करते हैं। हुजूर की बारगाह में गौसे आजम वसीला, हुजूर की बारगाह में गौसे आजम वसीला, और बेनियाज रब की बारगाह में मदीने वाला आका वसीला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को अल्लाह की बारगाह में वसीला, अल्लाह के वलियों को हुजूर की बारगाह में वसीला, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आज सिर्फ इतना ही मजमून होगा हकीकत वसीला, गौर से सुनना और समझना जरा। आपके चेहरे मुझे बता देते हैं कि आपको समझ आई है नहीं आई, इसलिए मैं मुकर्रर फिर बात करता हूं, तकरार भी करना पड़े तो करूंगा, क्योंकि बात समझाने आया हूं, समझ नहीं आएगी तो फायदा कोई नहीं। वो कोई पूछे तो हम बताने के तो काबिल हो जाएं, वही ऐसे ही नहीं जाते। मेरे मदीने के ताजदार ने फरमाया वो चला, 100 बंदे का कातिल चल पड़ा, कहां जा रहा है? आप दातागंज बख्त के मजार पे जाते हो, वो बनी इसराइल कौम की औली अल्लाह के डेरे पे जा रहा था। कहां जा रहा था? वलियों के उनके आस्ताने पे जा रहा था। आप आस्ताना ये दातागंज बख्श अली अजमेरी पे जाते हो, तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका फरमाते हैं वो चला ना उस बस्ती की तरफ, बीमार हो गया रास्ते में, अभी वहां पहुंचा नहीं कि उसकी रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर, वो 100 बंदे का कातिल अजय अपड़िया नहीं राह बेच ही मर गया। लो सुनो जरा, ये है वसीला। रास्ते में जब उसको मौत आई ना
رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, زحمت والے بھی. زحمت والے فرشتوں نے کہا سو آدمی کا قاتل ہے, ہم لے جائیں گے. رحمت والوں نے کہا تھا تو سو بندے کا قاتل, کوئی شک نہیں, مگر دیکھو تو صحیح کہاں جا رہا تھا, کس نیت سے جا رہا تھا, کہاں جا رہا تھا, کس نیت سے جا رہا تھا. توبہ تو اس نے اس وقت ہی کر لی تھی جب گھر سے چلا تھا. ہائے ہائے, بے نیاز رب نے جب اس نے سفر کا آغاز کیا, اس کے سفر کا آغاز اس کے لیے توبہ کا عمل بن گیا, بے نیاز رب نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا. فرشتے جھگڑ رہے ہیں, کیوں جھگڑتے ہو فرشتو؟ کہا جی سو بندے کا قاتل ہے. دوسروں نے کہا جی تھا تو سو بندے کا قاتل, لیکن جا رہا تھا ولیوں کے ڈیرے پر, اور جا رہا تھا سچے دل سے تائب ہو کے. بے نیاز رب نے فرمایا فرشتو جھگڑو نا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں, آمینہ کے لال فرماتے ہیں, رب نے فرمایا او جگہ ناپ لو, پیمائش کرو, جہاں سے چلا تھا اور جہاں اس کو موت آئی, یہ پیمائش کرو زمین کی, اور جہاں اس کو موت آئی, اس کی لاش پڑی ہے, یہاں سے لے کے ولیوں کے ڈیرے تک ناپ لو. اگر اولیاء اللہ کی آستانے, ان کے ڈیرے, ان کی بستی ان سے قریب ہے تو رحمت والو تمہارا حصہ ہے, اگر دور ہے تو زحمت والو بھلے تم لے جاؤ. اب میں نہیں کہتا میری کیا مجال و اوقات. آمینہ کے لال فرماتے ہیں پیمائش کرنے لگے نا فرشتے, بے نیاز رب نے فرمایا زمین سکڑ جا. رب نے حکم دیا جب پیمائش کی تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا, اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا ہے, راستے میں موت آئی, ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی پہنچا نہیں ہے, توبہ بھی قبول ہو گئی, سو بندے کا قتل اللہ نے معاف کر کے جنت کی بہاروں میں پہنچا دیا. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے, لکھی ہوئی لوح قلم والی تحریر بدل دیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اگر سمجھ نہ آئے تو امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھ لو. حضرت امام ربانی قندیل نورانی, سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ, آپ کے دو بیٹے تھے, دونوں شہزادوں کو استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑا. مکتب میں جب داخل کرا کے آئے, شام کو بچے واپس آئے, تو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ بیٹو تمہارے استاذ کی میں نے پیشانی دیکھی ہے جس پہ لکھا ہے کہ یہ شقی ہے, شقی بدبخت, اس کی پیشانی پر ماتھے پر بدبختی کے آثار ہیں. تمہارا استاذ بدبخت ہے, یہاں لکھا ہوا ہے. بھئی ہم تو آپ میری پیشانیاں پڑھتے ہیں, میں آپ کی دیکھ رہا ہوں, ہمیں کیا پتا, یہ نگاہ ولایت تھی, آپ نے پیشانی کو پڑھ لیا. فرمائے یہ تو بدبخت ہے استاذ, اس کی پیشانی پہ بدبختی کے آثار ہیں. بچے جب مکتب میں اگلے دن گئے نا, تو بچے پریشان پریشان, سہمے سہمے شہزادے. کیوں؟ بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جو استاذ خود بدبخت ہے اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, جو آپ ہی بدبخت ہے کسی کو کیا خوشبخت بنائے گا. دل میں یہ خیال آیا, پریشان تھے. استاذ نے پوچھا بچوں کیا بات ہے, پریشانی کاہے کی, کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا ابا حضور نے فرمایا کہ تمہارے استاذ کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے, شقی بدبخت. استاذ کوئی اچھے ذہن کا تھا, دو نمبر ہوتا تو کہتا لے دس وڈا ولی بڑے پھر رہے تیرا, کئی ویکھے تیرے ابے ورگے, سا میں آپ بڑا وڈا بڑا. بدبخت ہوتا تو منفی بول ہی بولتا. وہ استاذ بھی نسلی تھا نا, ذرا غور سے سننا سانگڑا ہل والو. اس نے پتہ کیا, امام ربانی فرماتا, اس نے کیا کہا استاد نے, استاد نے کہا پھر اپنے ابا جی نو آکھو نا وہ ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ وچ دعا کرے.
अपने अब्बा जी अर्ज करो, मेरी तरफों आखो, गुजारिश करो, वो हाथ चुक के दुआ चा करन, ते उन्हां दी दुआ ना रब मेरी बदबख्ती नू नेक बख्ती विच बदल दे, ते मेरी शकावत नू सादत विच बदल दे, मेरे मत्थे उते शकी दी बजाय शहीद लिखिया जाए। जाओ अब्बा जी नू आखो। दोनों शहजादे गए ना तो जाके कहा, अब्बा जी उस्ताद साहब यूं कहते थे, उस्ताद साहब यूं कहते थे। अब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद फारूकी सरंदी रदी अल्लाह उन्हें फरमाते हैं, मैंने जब लोहे महफूज पे देखा तो ये तकदीर मुबरम थी, और तकदीर मुबरम तो बदला नहीं करती। तकदीर की दो किस्में हैं, एक तकदीर मुअल्लक है और एक तकदीर मुबरम है। तकदीर मुअल्लक दुआ से बदल जाती है, सदके खैरात से बदल जाती है, माँ बाप की दुआ से, उस्ताद और मुर्शिद की निगाह से। कज़ाए मुअल्लक तकदीर मुअल्लक बदल जाती है, लेकिन कज़ाए मुबरम तकदीर मुबरम वो नहीं बदला करती। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाती हैं, मैंने जब लोहे महफूज पे देखा तो ये तकदीर मुबरम थी, वो तो बदलती नहीं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मुझे देखिए वसीला क्या है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मेरे दिल में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मदनी करीम आका लजपाल आका की उम्मत में एक शख्स है जिसे सैयद अब्दुल कादर कहते हैं और दुनिया वाले उनको गौसे पाक कहते हैं। फरमाया उनकी दुआ हो और वो दुआ के लिए हाथ उठा दे, और कदाए मुबरम के बदलने की दुआ गौसुल आजम गौसुल सकलैन फरमा दें, तो रब्बे जुल जलाल उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। रब्बे जुल जलाल कदाए मुबरम को भी उनकी दुआ से बदल देता। अब सुनिए वसीला क्या है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मैंने हाथ उठाए तो मैंने क्या कहा, मैं क्या रब्बा रब्बा ओ दुआ गौस पाक दी जिदी बरकत नाल तू कदाए मुबरम बदल देना, बेनियाज रब्बा मेरे पुत्रां दा उस्ताद जेड़ा है एदी बदबख्ती नू गौसे पाक दी उस दुआ दी बरकत नाल सआदत विच बदल दे, ओदी बदबख्ती नू नेक बख्ती विच बदल दे। मैं तेनू गौसे पाक दी दुआ नू तेरी बारगाह विच वसीला पेश कर रहा। अब मुजद्दिद पाक की जुबानी सुनिए, मुजद्दिद पाक की जुबानी सुनिए। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मैंने दुआ मांग कर चेहरे पे हाथ फेरे, मैंने लोहे महफूज पे निगाह डाल के देखा, गौसे पाक के वसीले की बरकत से बेनियाज रब ने मेरे बेटों के उस्ताद की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दी, शकावत को सआदत में बदल दी। पहले मत्थे ते लिखिया सी ये बड़ा बदबख्त बंदा है, हुण लिखिया गया बड़ा नेक बख्त बंदा है। एडा नेक बख्त है जेड़ा एदे कोल बवेगा वह भी नेक बख्त हो जाए, जेड़ा एदे कोल बवेगा वह भी नेक बख्त हो जाएगा। और जिथे कलिया सी ना अल्लाह वाले ने कहा, फीहा उनासुन यज़कुरून अल्लाह। लो सुनो इन्ना फर्क जे हजरत दाता गंज बख्शदा तो बड़ा उच्चा मकाम है ना कि गौसे पाक ने फरमाया, मैं इन्हों के दौर में हों तो मुरीद हो जाता। जिहड़ा बंदा रब के जिक्र विच रहिंदा ना हुण उहदी शान सुनो जरा। मेरे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, गाफिलों में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसे है जैसे सूखी हुई घास में एक हरा भरा तिनका होता है। सारी गंढड़ी सुके का दी बनी, सारी दुनिया का पूरा मोहल्ला बेनमाज, पूरी गली बेनमाज, पूरा मोहल्ला बेनमाजा का, तो दो चार बंदे उदो चो नमाज पढ़ना ना रब दे घर विच मसी थी। ते मेरे नबी पाक ने फरमाया, गाफलां विच अल्लाह दा जिक्र करने वाला नमाज जिक्र है कि नहीं रब दा, जिन्हों शक नहीं वो बोले नमाज अल्लाह दा जिक्र है या नहीं। आकिम सलात अल जिक्री, ओ यारो नमाज भी रब का जिक्र है, नमाज भी रब का जिक्र है। तो सोने नबी पाक ने फरमाया, गाफलां विच अल्लाह का जिक्र करने वाला इंजे ज
जिवें सुकी हुई घा की गठड़ी बनी हो एक तीला बिच हरा भरा हो ना गाफलों में अल्लाह का जिक्र करने वाला इंज। अच्छा फिर वह वजन वेख लिया जो मुकाम की फी है उनासुन यज़कुरून अल्लाह। उन्हें आख्या सौ बंदा मारे ही जा जिड़े अल्लाह के जिक्र करने वाले ने उन्होंने को जा उन्हों की मजलिस भी जा उन्हों की सोबत भी जा उन्होंने को जाके बह जा और सारी अर्ज मारूस कर तेरा रब तेनू माफ फरमा देगा। ला तकना तू मिर रहमत इल्ला रब दी शान है वो गया अजे अपड़िया नहीं रब ने पहले ही सरफराज फरमा दिता। ये वो बंदे ने रब ने आख्या हत बन के खलो ना ते आख्या करो ए दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लसीना अनअमत अली। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हलजवेरी लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने भी आख्या सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीरे संजर राहर। और दाता साहब ने तो मसला ही हल कर छड़िया उन्होंने फरमाया जेड़ा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल फिल हिंद आपने फरमाया को मैनू आके पूछे ना कि कबर वाले को लभदा ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं आंदे ने मेरे को पूछो दाता साहब हाजरी दो ना उर्स से जाना इंशाला तो कदमैन शरीफैन वाले एक हुजरा है जिदे उत्ते लिखे है हुजराए मुबारका हुजराए एतकाफ ख्वाजाए ख्वाजगान अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ये वो थां है जिथे ख्वाजा गरीब नवाज ने 40 दिन चिल्ला कशी की थी एतकाफ विच रहे ते एतकाफ तो जो उठे ना तो खजाने नाल भरपूर करता ना दाता साहब ने आप आओ मैं दसना की लभदा आपने कबर वाल इशारा करके फरमाया आओ मैं दसना कबर वाले को लभदा फरमाया गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनु इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते कर बनाएं रद शहीदे कर बना। तमाम अम्बिया और औलिया ये खुदा की बारगाह तक वसीला है इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। औलिये कामिलीन को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं इमाम आली मकाम इमाम आली वकार फरजंदे रसूल ताजदारे करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला व सलामुल्लाह अलैहि व अला अबीहि व उम्मिही व जद्दिही मिन यौमिना हाजा इला यौमिद्दीन। इमाम आली मकाम का सरे अनवर मिस्र में दफन है काहरा में काहरा में इमाम अली मकाम का सर अकदस जसद मुबारक करबलाए मुअल्ला में है। इमाम पाक का रोज़ा मुबारक जसद मुबारक करबलाए मुअल्ला में है इराक में और आपका सर अकदस काहरा मिस्र के अंदर आपका सर अकदस कुब्बा हुसैनी उसका नाम है जगह का जहां इमाम अली मकाम का सर अकदस। बड़े बड़े औरिया कामिलीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि जहाँ इमाम अली मकाम का सर अकदस दफन है आपके सर अकदस के मदफन पर जाकर हमने फैज हासिल किया है। उसमें से एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ फिर मेरा मजमून मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी विलायत व मारिफत की दुनिया में एक बड़ा नाम है इमाम अब्दुल वहाब शौरानी। वो अपने तबकात में लिखते हैं कि मैं इमाम पाक का सर अकदस जहां दफन है कुब्बा हुसैनी वहां जब भी जाता इमाम अली मकाम को जब सलाम अर्ज करता अस्सलामु अलैका या बना रसूलुल्लाह ए रसूलुल्लाह के फरजंद मेरा सलाम कबूल फरमाइए। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी फरमाते मैं सलाम अर्ज करता तो फौरन फौरन जवाब आता वालेकस्सलाम या शौरानी शौरानी तुम्हें भी सलाम।
فرماتے ہیں ایک دن جب میں نے جا کے سلام عرض کیا نا, سلام عرض کیا تو جواب ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا, ساری رات مضطرب رہا, بے قرار رہا, ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا, کروٹیں بدلتا رہا, نہ جانے کون سی خطا سرزد ہو گئی کہ امام پاک ناراض ہو گئے, آج میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. رات جاگتے ہوئے کٹی نا, دل میں ارادہ کیا صبح جا کے امام پاک سے معافی مانگوں گا, کوئی خطا کو غلطی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے. فرماتے ہیں میں معمول کے مطابق جب گیا تو میں نے سلام عرض کیا نا تو سلام کا فوراً جواب آیا, وعلیک السلام شورانی, شورانی میرا بھی سلام ہو تجھے. امام عبد الوہاب شورانی لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کل میں نے سلام کہا تھا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کوئی خطا, کوئی غلطی, کوئی بے ادبی, کوئی کوتاہی, کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معاف کر دیجئے. امام پاک کے سر اقدس سے آواز آئی, شورانی کل جب تو نے مجھے سلام کہا میں مدینہ پاک اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میں اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا تو تیرے سلام کا جواب, گفتگو کو منقطع کر کے تو تیرے سلام کا جواب دیتا. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام بارگاہ نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ میں تیرے سلام کا جواب نہ دیتا. گفتگو تو حضور سے ہو رہی تھی, کلام اپنے نانا پاک سے کر رہا تھا, تیرے سلام کا جواب کیسے دیتا. حاضرین محترم, میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے میرے آقا کے بارے میں فرمایا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. اور فیصلہ کن واقعہ سن لیں, اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. بھئی ہماری کتابیں تو بڑی بڑی ہیں, میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, میں چھپ کر بیان نہیں کر رہا کہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا رہا ہوں. میں مسجد میں, محبوب سبحانی مسجد میں, سارا حال ماشاءاللہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, عاشقان رسول کے ہجوم میں, اولیاء کے نیاز مندوں کے ہجوم میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند مکتب فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی مدینہ پاک حاضر ہوئے. ہماری کتابوں میں تو ہے ہی جمال الاولیاء مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب, احمد کبیر, شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک حاضر ہیں, اور حضور کے روزے پہ جا کے جب سلام عرض کرتے ہیں نا تو میرے آقا کریم سلام کا جواب دیتے ہیں. شیخ احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں, آقا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جب سلام عرض کرتا تھا تو جواب وہاں بھی سن لیتا تھا. حضور سلام کا جواب تو میں وہاں بھی سنتا تھا. آقا آج جی یہ چاہتا ہے, تمنا یہ ہے, آرزو یہ مچل رہی ہے کہ دستے پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو, احمد کبیر زیارت بھی کرے, بوسہ لینے کا شرم بھی حاصل کرے. اللہ کی عزت کی قسم سانگلا ہلوالو, اللہ کی عزت کی قسم, احمد کبیر رفاعی نے جیسے ہی استغاثہ پیش کیا, سرکار سے فریاد کی, عرض کی, آقا سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا تھا, آج تمنا یہ ہے, آرزو یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ قبر انور شک ہو, دستے پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو, میں زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو, کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور پھر آپ کے دستے پاک کا بوسا لے کر پورے وجود کی روحانیت کو عروج میں پہنچاؤں. میں نہیں کہتا بھائیو میری کیا مجال, میری کیا اوقات, یہ تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے جمال الاولیاء میں, قبر انور مصطفیٰ شک ہوئی, اللہ اکبر, میرے آقا کا دست پاک
قبر انور سے باہر جلوگر ہوا جس سے پوری مسجد نبوی شریف بقع نور بن گئی، فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئیں، خوشبوئیں بکھر گئیں پوری مسجد نبوی میں، فضا معمر ہو گئی، معطر ہو گئی۔ میرے آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوگر ہوا، احمد رقیبی رفائی نے بوسہ بھی لیا، زیارت بھی کی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہاں موجودین سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا ہے، احمد کبیر رفائی نے بوسہ بھی لیا ہے، فضائیں معمر و معطر بھی ہوئی ہیں، خوشبوئیں بکھر گئی ہیں، فضائیں مہک اٹھی ہیں، اور پوری مسجد نبی بقع نور بن گئی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تو چھپاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ بھئی ہم خوش قسمت ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، ہماری نسبت اولیاء اللہ سے ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ آئیے رب سے، رب کریم سے دعا مانگیں کہ بے نیاز رب اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے اور سچے عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب مریں تو اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے سچے کھرے عقیدے پر ہمیں موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔